गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको बताया था क्रोमेटीन, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि कब ये क्रोमेटीन बनते हैं, कब ये क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स ये कब बनते हैं, एम फेज में, ठीक है। एम फेज में ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और ये जब लूज़ होते हैं, तो लूज़ होते हैं आपके ये जीवन फेज में, इंटरफेज की जीवन फेज में आके ये फिर खुल जाते हैं, धागे रुमा क्रोमेटिन धागे बनाते हैं। ये क्रोमेटिन धागे आवश्यकता अनुसार कहीं लूज व कहीं टाइटली पैक होते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको कल बताया था एम फेज में क्रोमोसोम्स होते हैं इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पे इस वाली अवस्था में ये धागे नुमा होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो क्रोमेटिन के धागे हैं, आप जानते हो कि ये न्यूक्लियोसोम अवस्था में होते हैं। इनमें हिस्टोन प्रोटीन होती है जिसके चारों ओर डीएनए रैप होता है, ठीक है। बीट्स जो हमको दिखाई देते हैं, न्यूक्लियोसोम आप इसको कहते हैं। तो ये कहीं पे बहुत टाइटली पैक होते हैं और कहीं पे ढीले होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्रोमेटिन को दो भागों में बांटते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन, ठीक है। यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन हेटरोक्रोमेटिन। यू यानी कि ये वो हिस्सा होता है जो लूज़ होता है। अब ये लूज़ क्यों होता है? सपोज ये स्टोन प्रोटीन है, यहाँ पे थोड़ा ढीला होता है। ढीला इसलिए होता है, आप जानते हो डीएनए से ही प्रोटीन बनती है। अब पैनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन बनता है, तो इंसुलिन हार्मोन से एक नियत टाइम के बाद बनना ज़रूरी होता है, ठीक है। या पाचन ग्रंथियों से पाचक एंजाइम बनना ज़रूरी होता है, लार ग्रंथि में टाइलिन बनना ज़रूरी होता है। तो ये एंजाइम्स, ये हार्मोन्स हमको हर समय आवश्यक होते हैं, तो इनका बनना थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ये ढीले इसीलिए होते हैं ताकि यहाँ पर आरएनए बन सके। आपको पता है कि डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए बनता है, तो यहाँ से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो कुछ पोर्शन जो होता है वो लूज़ होता है, लूज़ इसीलिए होता है ताकि यहाँ पे प्रोटीन बन सके। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा होता है वो टाइटली पैक होता है, उस प्रोटीन की ज़रूरत हमें नहीं होती है। कुछ डीएनए का पार्ट जंक डीएनए होता है, या आप आगे पढ़ोगे जंक डीएनए क्या है। या कुछ पोर्शन ऐसा होता है, ये जो हेटरोक्रोमेटिन है, हेटरोक्रोमेटिन दो प्रकार की हो जाती हैं आपकी, हेटरोक्रोमेटिन कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव। तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव होती है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव होती है ये हमेशा पैक रहती है, फैकल्टेटिव ज़रूरत पड़ने पर फिर कहीं कहीं पर लूज हो जाती है। तो आपको मैंने बताया क्रोमेटिन के दो प्रकार, यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन, ठीक है। अब एक बार बॉडी एक शब्द और है। तो बार बॉडी क्या होता है? आप जानते हो कि स्तनधारियों में हायर जो मैमल्स होते हैं, लोअर मैमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हायर मैमल्स की जो फीमेल्स होती हैं उनमें दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो इस एक्स क्रोमोसोम में से कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम हेटरोक्रोमेटिन बन जाता है। हेटरोक्रोमेटिन यानी ये पूरा क्रोमेटिन बिल्कुल गांठ की तरह बिल्कुल टाइट हो जाता है, खुलता नहीं है, ठीक है। इसी को हम बार बॉडी कह देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा डीएनए के बारे में कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हम आज के टाइम पे बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूँ। पीछे मतलब सन 1928 के आसपास, जब ये सिद्ध नहीं हुआ था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ये बात तब की है। तो इस समय जो है ये सिद्ध करने के लिए कौन कौन से प्रयोग किए गए थे कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इस पर हम आगे पढ़ाई हम पढ़ेंगे। तो इसमें तीन एक्सपेरिमेंट जो हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा किए गए हैं, ये पूछे जाते हैं। तो 1928 में जो है ग्रिफिथ्स ने एक प्रयोग किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, रूपांतरणकारी सिद्धांत। ट्रांसफॉर्म मतलब रूपांतरण होना, बदल जाना, परिवर्तन आना, ठीक है। जैसे आप में परिवर्तन आ जाता है जब आप अपनी ट्वेल्थ की क्लास करके बाहर पढ़ने जाते हो, तो आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, परिवर्तित हो जाते हो, अपने माहौल में आते हो। तो ऐसे ही एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ग्रिफिथ्स ने दिया था। ये आज की बात नहीं है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पुरानी बातें हैं। और किस प्रकार से धुआं की डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, देखिए ग्रिफिथ्स का प्रयोग क्या है। 1928 में ग्रिफिथ्स ने किस बैक्टीरिया पे काम किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये न्यूमोनिया
पैदा करने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया को उन्होंने चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है। यानी निमोनिया करने वाले बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो मतलब एक चेन नुमा, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन नुमा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को उन्होंने एक बैक्टीरिया जो है उसको चूहे के अंदर डाला, और क्या उसमें हुआ ये हम आगे पढ़ते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया है उसके नीचे आप अंडरलाइन जरूर करेंगे, किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए अंडरलाइन करते हैं। इन्होंने इसकी उसको कल्चर किया, कल्चर मतलब जैसे हम बीज बो देते हैं ना ज़मीन में तो बहुत सारी पौधे आ जाती हैं, आप प्याज के बीज बोते हो, उसी को बैक्टीरिया के लिए या सूक्ष्म एनिमल्स के लिए कल्चर हम कह देते हैं। ये टर्म आपको आनी चाहिए, कल्चर क्या होता है, ठीक है, संवर्धन जिसको कहते हैं। तो दो प्रकार की कॉलोनी बनी, किसकी, इस बैक्टीरिया की। अब आप जानते हो कि बैक्टीरिया में एक प्रोटीन का खोल होता है, ठीक है, उसके बाहर एक कैप्सूल परत होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की, आपने पढ़ा हुआ है 11th में, और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या किसी किसी में आरएनए भी होता है। तो ये इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी इसमें स्पेशल कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की को कल्चर किया गया तो दो प्रकार की कॉलोनी बनी, एक कॉलोनी बहुत चमक रही थी और एक कॉलोनी डल थी। जो कॉलोनी चमक रही थी वो क्यों चमक रही थी, क्योंकि उनके बाहर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ कैप्सूल था, ठीक है। तो ये शाइन कर रही थी इसलिए ना एस बोला गया, एस फॉर शाइन, शाइन स्टेन इनको बोला गया, ठीक है। तो ये जो एस स्ट्रेन थी ये डिजीज़ पैदा करती थी, यानी ये निमोनिया जो बैक्टीरिया है उसका ये जो एस स्ट्रेन है ये वीरुलेंट है, वीरुलेंट का मतलब जो बीमारी पैदा करे, ठीक है, खतरनाक। वहीं जो रफ कॉलोनी बनी उसको आर स्ट्रेन बोला, आर फॉर रफ। इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना कैप्सूल नहीं था, तो चमक पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। लेकिन ये आर स्ट्रेन डिजीज़ भी पैदा नहीं कर रही थी, ठीक है। तो इन्हें ए वेरुलेंट कहा गया, क्या कहा गया, ए वेरुलेंट मतलब जो डिजीज़ कॉज नहीं करते, ठीक है। तो ये दो प्रकार की कॉलोनी बनी, और यही दो प्रकार की कॉलोनी को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोग किया। उन्होंने क्या करा, पहला स्टेप आर स्ट्रेन जो थी रफ स्ट्रेन उसको चूहे के अंदर डाला, तो चूहे पे कोई असर नहीं हुआ, वो जीवित रहा। फिर एस स्ट्रेन वाले को डाला तो वो मर गया, क्योंकि एस वाला जो है वो घातक है। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को इन्होंने हीट किल्ड करा, इन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन है उसको हीट किल्ड किया, यानी उसे उबाला गर्म पानी में। उबालने से क्या हुआ कि उसकी कुछ चीज़ें नष्ट हो गई, और फिर उसको माइस में इंजेक्ट किया, चूहे में इंजेक्ट किया, तो चूहा जीवित रहा, चूहे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। ध्यान से सुनिए इस बात को, जब एस स्ट्रेन नॉर्मल थी तो चूहा मर गया, जब एस स्ट्रेन को उबाल करके डाला गया माइस में तो चूहा तब जीवित रहा। उसके बाद उन्होंने जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी मतलब जिसको उबाला था एस स्ट्रेन को, उसको आर के साथ मिक्स करके डाला। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप बोलोगे ये तो डेड हो चुका है, क्योंकि यहाँ तो इसने इसको मारा नहीं, और आर से तो वैसे ही नहीं मरता है, तो चूहे को नहीं मरना चाहिए। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग आया, चूहा मृत हो गया, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, देखिए इसको समझते हैं। ये है बैक्टीरिया, बाहर प्रोटीन का खोल है, अंदर आपका डीएनए है, ये आर स्ट्रेन है और ये एस स्ट्रेन है, प्रोटीन और डीएनए, इसको हीट किल्ड किया यानी उबाला। उबालने से क्या हुआ, इसकी प्रोटीन नष्ट हो गई, लेकिन डीएनए नहीं नष्ट हुआ, क्योंकि डीएनए उबालने पर डीनेचर्ड होता है, उसकी डबल कॉइल खुल जाती है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता, और ठंडा होने पर दोबारा उसमें कॉइलिंग हो जाती है, लेकिन प्रोटीन नष्ट हो जाता है। अब ये जो बचा, क्योंकि हमने इसको आर के साथ मिलाया हुआ था, जब हमने इसको अकेले डाला था तो उसकी प्रोटीन नष्ट हो गई थी, इसलिए ये इतना प्रभावशाली नहीं रहा। लेकिन जब हमने इसको आर के साथ डाला, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर जो इसका जीवद्रव्य होगा उसमें जो इसकी मशीनरी होगी वो सारी नष्ट हो गई, केवल डीएनए बचा रहा। जब हमने इसको आर स्ट्रेन के साथ डाला मिक्स करके, तो ये जो बचा हुआ डीएनए था ये आर स्ट्रेन के अंदर चला गया। देखिए ये आर स्ट्रेन है, ये बचा हुआ डीएनए इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, कि नग्न डीएनए है। नग्न क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन का खोल नहीं है। तो इस प्रकार नग्न डीएनए का किसी बैक्टीरिया के अंदर जाना, देखिए नेकेड डीएनए का किसी बैक्टीरिया सेल के अंदर जाना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
इसको आपको बिल्कुल अभी के अभी इसको याद कर लेना है कि कोई नेकेड डीएनए ये अपने आप ही इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। अब अंदर जाके देखिए ये आर स्ट्रेन के डीएनए से जुड़ गया, ये एस स्ट्रेन का डीएनए है और ये आर स्ट्रेन का डीएनए है, ठीक है। तो ये आर स्ट्रेन चेंज हो गई एस स्ट्रेन में, जब एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन के अंदर चला गया तो ये जो एस स्ट्रेन का डीएनए है ये अपनी प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ के केस में यही हुआ कि हीट किल एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन जब मिलाई गई तो ये डेड हो गया, ठीक है। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये जो विरुलेंसी का लक्षण है ये डीएनए में है, यानी ये जो बीमारी फैलाने का लक्षण है डीएनए में है, प्रोटीन में नहीं। लेकिन ये बात वैज्ञानिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब तक उन्हें फुली प्रूफ नहीं मिलता है तब तक वो इस बात को नहीं मानते हैं। तो इसको फिर आगे फर्दर इस पर काम किया गया एवेरी द्वारा, क्या उन्होंने वर्क किया उसको देखते हैं। देखिए अब ओसवाल्ड एवेरी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इनके एक्सपेरिमेंट को आप बुक में पढ़ोगे, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन था या डीएनए था, ये सर्च विषय क्या था कि जो आनुवंशिक पदार्थ है जो मतलब बीमारी फैलाने वाला गुण है एस स्ट्रेन का, वो प्रोटीन में है या डीएनए में है। खोज क्या थी कि ये जो एस स्ट्रेन मार रही है चूहे को, प्रोटीन बना रही है इस प्रकार की जिससे मर रहा है, तो ये डीएनए से बन रहा है या प्रोटीन से बन रहा है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ्स ने करा था। तो इसका जैव रासायनिक लक्षण क्या है, इन्होंने प्रयोग किया था। तो 1944 में ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलॉड और मैकलाइन मैककार्टी ने ग्रिफिथ्स के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की जैव रासायनिक प्रकृति की जाँच की थी। इसमें सबसे पहले एवेरी ने क्या किया, एवेरी ने जो हीट किल एस स्ट्रेन थी उसको प्योरीफाई किया। प्योरीफाई किया मतलब उसके घटक अलग अलग किए, डीएनए अलग किया, प्रोटीन अलग की, आरएनए अलग किया, ठीक है। अब जब इसके तीनों घटक अलग हो गए उसके बाद उन्होंने एक एक करके इनको आर के अंदर डाला और देखा कि कौन सा घटक आर को एस में बदल देता है, ठीक है। क्योंकि ग्रिफिथ्स के प्रयोग में क्या हुआ था, ग्रिफिथ्स के प्रयोग में आर स्ट्रेन एस में बदल गई थी, ठीक है। ग्रिफिथ्स के प्रयोग में क्या हुआ था, जो आर स्ट्रेन थी ये किस में बदल गई थी, एस स्ट्रेन में। हमें कैसे पता चला था ये एस स्ट्रेन में बदल गई थी, क्योंकि माइस डेड हो गया था। अब सवाल ये था कि हमने इसमें मृत एस मिलाया था, है ना, क्योंकि हीट उसको हमने गर्म पानी में बॉईल किया था, तो मृत हीट किल्ड एस हमने इसमें डाला था, ठीक है। तो एस का ऐसा कौन सा पार्ट था जो बचा रहा और जिसने इसको एस में बदला, समझ रहे हो आप मेरी बात। एस का मृत जो एस था उसका ऐसा कौन सा पार्ट था जिसमें ये डीएनए था या प्रोटीन था जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल दिया, ठीक है। तो अब इन्होंने बारी बारी से किया, पहले आर स्ट्रेन में डीएनए डाला, डीएनए डाला तो वो एस में बदल गया। एस में बदलने का प्रूफ क्या है, आपका जो माइस है वो डेड हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने आर स्ट्रेन में प्रोटीन को डाला तो वो एस स्ट्रेन में नहीं बदला, चूहा डेड नहीं हुआ। फिर उन्होंने आरएनए डाला तो किस में डाला, आरएनए आर स्ट्रेन में, तो वो भी एस स्ट्रेन में नहीं बदला, ठीक है। तो इनका प्रयोग बहुत अच्छा था, बहुत सीधा साधा प्रयोग था कि पहले डीएनए को डाला आर स्ट्रेन में, फिर डीएनए उसको इंजेक्ट किया माइस में तो माइस मर गया, आरएनए को डाला फिर प्रोटीन को डाला, लेकिन ये चूहे जीवित रहे यानी एस स्ट्रेन में नहीं बदला। तो कहने का मतलब है कि डीएनए ने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदला। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं भाई, ये प्योरीफिकेशन, तो क्योंकि उस समय प्योरीफिकेशन मतलब प्योर रूप में, प्योर फॉर्म में आप उसको निकालना, तो साइंटिस्ट ने कहा नहीं ये तो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप थी नहीं, तो उन्होंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानते कि ये बिल्कुल पूर्ण तरीके से प्योरीफाइड डीएनए था, इसमें हो सकता है प्रोटीन रही हो, ठीक है। तो फिर उन्होंने फिर क्या किया, तीनों ने मिल करके एक और प्रयोग किया। इन्होंने पाचक एंजाइम लिए, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ना, जैसे प्रोटीज है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, आरएनएज है ये आरएनए को नष्ट कर देगा, डाइजेस्ट मतलब नष्ट कर देगा, उसको हटा देगा वहाँ से, डीएनएज है ये डीएनए को नष्ट कर देगा। अब क्या किया इन्होंने, अब देखिए हमें जीवित आर स्ट्रेन तो लेनी ही लेनी है, हम जीवित आर स्ट्रेन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आर स्ट्रेन के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ घुसता है जो उसको एस में बदल देता है और एस को इफेक्टिव बनाता है कि वो माइस को डेड कर दे, ठीक है।
तो जीवित आर स्ट्रेन में हीट किल्ड एसिस्ट्रेन लिया, इसमें प्रोटीएज एंजाइम डाला। तो ये जो हीट किल्ड एसिस्ट्रेन थी, इसमें जो प्रोटीन होगी वो भी नष्ट हो गई। ठीक है, तो प्रोटीन नष्ट होने से, अगर प्रोटीन इफेक्टिव होती, यानी प्रोटीन ही कारक होती, कहीं की प्रोटीन कारक होती, आनुवंशिक पदार्थ होता, तो ये चूहा जो होता क्या होता, जिंदा रहता, क्योंकि प्रोटीन तो है ही नहीं। अब जिस चीज़ के कारण कोई चीज़ मर रही है, अगर उसको नष्ट कर दें तो उसे मरना नहीं चाहिए। तो प्रोटीन के नष्ट करने के बाद भी ये चूहा मरा, यानी ऐसी स्ट्रेन बनी। तो यहाँ सिद्ध हुआ कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदलना। फिर उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करा, जीवित आर स्ट्रेन ली और हीट किल्ड एस स्ट्रेन ली, इसमें आरएनएज डाला। आरएनएज डालने से आरएनए नष्ट हो गया। तो आरएनए नष्ट होने से क्या होगा, जो चूहा था वो फिर भी मृत रहा, यानी आर भी आरएनए भी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई विद्यार्थी जो है वो क्लास में शैतानी करता है, मिसबिहेव करता है, उसकी पहचान कैसे होगी? जिस दिन वो क्लास में एबसेंट होगा उस दिन क्लास साइलेंट होगी। तो कौन सी चीज़ एबसेंट होने से क्लास साइलेंट रहेगी, या वो चूहा, चूहे की बात करें तो कौन सी चीज़ हटने से वो मरेगा नहीं? तो अब डीएनए डाला गया, तो डीएनए डालने पर यानी डीएनए नष्ट हो गया, डीएनए क्या हो गया, नष्ट। तो एस स्ट्रेन नहीं बनी, चूहा जीवित रहा। तो ये फिर एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट पूर्ण तरह से सहमत नहीं थे कि ये प्योरीफिकेशन ढंग से नहीं हुआ है। फिर लास्ट में एक प्रयोग किया गया है, उसको मैं आपको कल बताऊंगी। तो ये दो प्रयोग आप अच्छे से कर लीजिएगा, कोई भी इनमें से एक पूछा जाता है। थैंक यू फॉर टुडे।